तो ये वीडियो आप लोग के रिवीजन के लिए रहने वाला है। जिस वीडियो को देखकर आपका फिजिक्स का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, टाटा, गया, मजा आए। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर को जो रहने वाला है एटम, और ये रिवीजन सीरीज आप लोग के लिए चल रही है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर एटम क्या होता है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, जिसके अंदर आप लोग का न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग को जे.जे. थॉमसन के थ्रू इसके बारे में पता चला था, लेकिन इन्हीं के स्टूडेंट थे जिनका नाम रदरफोर्ड था। जो थॉमसन ने थ्योरी दी है वो गलत है। इन्होंने खुद से कंडक्ट करे एक नया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू ये प्रूफ हो सका कि यार जो थॉमसन भैया ने थ्योरी दी थी वो एकदम गलत थी और रदरफोर्ड की थ्योरी को यहाँ पे अपनाया गया। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या करे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिए। अल्फा पार्टिकल चाह रहे थे वो कि यार बॉम्बार्ड करा सके गोल्ड की फॉइल के साथ, जिसकी थिकनेस 10^-8 मीटर की है और इसके अंदर सिंगल लेड एटम्स है। साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हो लेड की ब्रिक्स यूज करके सो दैट अल्फा पार्टिकल सीधे जा सके। ब्रिक्स इसलिए भी यूज की गई थी सो दैट यार यहाँ पे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो सके, तो अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे जाएंगे और इस पे जाके बॉम्बार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखना था कि अगर कोई बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो अल्फा पार्टिकल खुद में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब वो उसके पास जाएगा तो टकराने की कोशिश कर सकता है, तो हो सकता है उससे डेविएट हो जाए। तो एक्चुअल में ये चेक किया जा रहा था, अगर वहां नहीं होता तो सीधे चल जाते अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई गई गोल्ड की फॉइल के ऊपर और हम लोगों ने इसको ZNS की स्क्रीन पे ऑब्जर्व करे ग्लो होते हुए। तो इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से ये निकल के आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो 99% के अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे चले गए थे। 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो डेविएट हुए थे। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो था वो 90 से ज्यादा का एंगल बनाते हुए गया था और 1,000,000 में से एक अल्फा पार्टिकल था जो बाउंस बैक ही हो गया। वो जो बाउंस बैक हुआ होगा उसकी इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी रही होगी, कम रही होगी या ज्यादा रही होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। रिजल्ट ये निकल के आया कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो एम्प्टी है और जो बीचों बीच जगह एकदम आप लोग को दिख भी रही है वो है पॉजिटिव चार्ज, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया, और 99% ऑफ मास ऑफ एटम वो ही एक्वायर करके रखता है। साथ में ये भी बताया गया कि जो स्पेसिफिक न्यूक्लियस है उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट तो होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके तरफ मूव ही हो जाते डायरेक्टली। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली इधर आ जाए, ऐसा नहीं होता। अगला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब ये कि अल्फा पार्टिकल की जब बॉम्बार्डिंग करा रहे थे तो कितना करीब तक के अल्फा पार्टिकल किसी एक न्यूक्लियस तक जा सकता था, वो डिस्टेंस को कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी क्लोजेस्ट अप्रोच उतना कम होगा। यहां से काइनेटिक एनर्जी आप लोग के निकल के आई, और साथ ही साथ आप लोग का जो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजेस्ट अप्रोच का, इसको याद करके जाना आपके काम आने वाला है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है अल्फा पार्टिकल की, वो होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसके बाद अगला टॉपिक है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब ये, मान लो ये आप लोग का स्पेसिफिक एटम है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एक सेंटर लाइन खींच दो, मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, ये बॉम्बार्ड करते हुए आ रहा है, आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल करीब आएगा और डेविएट हो जाएगा। कहां से? क्लोजेस्ट अप्रोच से। तो जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग की बन रही है ना यहां पे, इसे कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। अगर अल्फा पार्टिकल यहां से जाएगा तो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो डेविएशन लेस क्या होगा ही नहीं, और अगर जितना ज्यादा करीब अल्फा पार्टिकल गुजरेगा उतना ज्यादा डेविएशन आपको शो होगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू जितना ज्यादा यहाँ पे रहने वाली है उतना ज्यादा डेविएशन आप लोग को कम शो होगा, जितना इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम रहेगी उतना ज्यादा डेविएशन आपको दिखेगा। तो ड्रॉबैक आप लोग के यहाँ पे ये निकल के आए थे कि इन्होंने डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया था, साथ ही साथ स्टेबिलिटी के बारे में भी इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अगला मॉडल निकल के आया बोर्स का मॉडल। बोर्स का मॉडल जो था एक्चुअल में, जो रदरफोर्ड से गलतियां हुई थी उसी को इन्होंने सही करे थे। बोर्स ने सबसे पहले ये बताया कि सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और जब वो रिवॉल्व करते तो अपने अपने ऑर्बिट में वो एनर्जी लॉस नहीं करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में या दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तब एनर्जी यहाँ पे रेडिएट हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज बताया कि यार कोई भी इलेक्ट्रॉन तभी रिवॉल्व कर सकता है किसी न्यूक्लियस के अराउंड जब उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल H/2 और इसमें भी सारी वैल्यूज पुट कर दे तो वैल्यू निकल के आएगी 2.18 × 10^6 Z/N मीटर पर सेकंड। इसी के साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी निकल के आएगी वो आएगी माइनस ऑफ एम जेड का स्क्वायर ई की पावर 4/4 ε0 का स्क्वायर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और साथ ही साथ जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है वो होती है एम जेड का स्क्वायर ई का पावर 4/8 एच का स्क्वायर ε0 का स्क्वायर एन का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करके आप लोगों को टोटल एनर्जी निकलती है माइनस एम जेड का स्क्वायर ई की पावर 4/8 एच का स्क्वायर ε0 का स्क्वायर एन का।
का स्क्वायर। यहाँ से ये चीज कंक्लूड हुई कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है एंड पॉजिटिव ऑफ टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। अगर मैं सारी वैल्यूज को पुट कर दूं तो आप लोग का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सॉल्व करने को कहे तो जेड की वैल्यू को 1 लेना है, ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 रखना है, फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट के लिए एन की वैल्यू 2, सेकंड के लिए 3, ऐसे कंटिन्यूअसली आपको बढ़ते हुए चलना है। अगर आपसे कोई पूछे कि इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या होगी एनर्जी की, तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू अपॉन में है। यहाँ पे जैसे सबसे गलतियां हो रही थी वैसे बोर्स भैया से भी हो रही थी, इन्होंने सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में एक्सप्लेन कर पाए थे, ना कि यहाँ पे इन्हें बता पाए थे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में। साथ में डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को भी वायलेट कर रहा था, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वायलेट कर रहा था। साथ में इस मॉडल ने स्टार इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अब अगला टॉपिक होता है तुम्हारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो देखो यार, बचपन में देखे होंगे स्पेक्ट्रम मतलब क्या, लाइट फॉल हुआ प्रिज्म के अंदर तो एक देखो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है इस तरीके से, जहां पे विब्योर फॉल होता है और देखो सातों कलर आप लोग को दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जब मैं लाइट को पास आउट कराता हूं कोल्ड गैसेस से, तो प्रिज्म के साथ आप लोग को देखो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम तो दिख रहा है लेकिन कुछ कलर्स यहां पे गायब है। और जब मैं इसको हॉट गैसेस से पास कराकर अगर लाइट पास आउट कराता हूं प्रिज्म से, तो आप लोग को देखो मैक्सिमम कलर गायब मिलेंगे, कुछ ही आप लोग को दिखने वाले। इसे कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहां से आप लोग का टॉपिक समाप्त होता है। इसके अलावा आप लोग को ये टॉपिक पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वेवलेंथ निकालने के लिए आप लोग को देखो एमिशन स्पेक्ट्रम से निकालना पड़ेगा, मतलब क्या हायर से लोअर पे आना पड़ेगा। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई फोटोन व्हिच इज इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन। और यहाँ पे जब सारी वैल्यूज आप लोग रख दोगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा 1/ लैम्डा आर जेड का स्क्वायर 1/ एन वन का स्क्वायर माइनस 1/ एन टू का स्क्वायर। और इस परस्पेक्टिव फॉर्मूले के थ्रू तुम लोग किसी भी एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ निकाल सकते हो। यहाँ पे आर होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर एन की वैल्यू 1 पे आ रहा है तो लेमन सीरीज कहलाएगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर एन की वैल्यू 2 पे आ रहा है तो उसको बाल्मर सीरीज कहलाएंगे, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर एन की वैल्यू 3 पे आ रहा है तो पैस्टन सीरीज हो जाएगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर एन की वैल्यू 4 पे आ रहा है तो उसे हम लोग ब्रैकेट सीरीज कहेंगे, और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर एन की वैल्यू 5 पे आ रहा है तो उसे हम लोग पी फंड सीरीज कहेंगे। यहाँ पे याद रखना लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पे देती है, बाल्मर सीरीज विजिबल लाइट और बाकी सभी की सभी इंफ्रा रेड। तो यहाँ से होता है चैप्टर की समाप्ति। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा हो। साथ ही साथ यार भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज शाम को मैं लेने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो 18 मार्क्स आपके पका दे, जहां पे मैं 8 बजे आप लोग के लिए सेशन लेकर आने वाला हूँ, जहां पे मैं कवरअप कराऊंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोग के लिए होने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से जाए क्लास को एनरोल करें, फ्री क्लास है, भैया का कोड यूज करें जेड की ऐसा की और क्लास एनरोल आपकी हो जाएगी। मिलता हूं मैं लाइव सेशन में आपके साथ, जब तक के लिए गुड बाय। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के अभिव्यक्ति को देना चाहता हूँ।